फैशन के साथ रीवा के लड़के लड़कियों की कदम ताल गुलफॉर्म कॉम्प्लेक्स के फ्रेश लुक ब्यूटी पार्लर में पहचान फाउंडेशन के बैनर तले मेकअप आर्टिस्ट अर्शिया खान का रीवा की धरती पर पहला प्रयास। फ्रेश लुक ब्यूटी पार्लर के सौजन्य से आयोजित फैशन शो ऑडिशन में पहुंची एमटीवी फेम प्रतिभा सिंह, प्रतियोगियों का बढ़ाया हौसला। इस मौके पर रीवा शहर की सभी ब्यूटिशियंस मौजूद रहीं। निकट भविष्य में सतना में होने वाले पहचान फाउंडेशन के ग्रैंड फिनाले में भाग लेने के लिए हुए ऑडिशन में सैकड़ों की तादाद में गुलफाम कॉम्प्लेक्स स्थित फ्रेश लुक ब्यूटी पार्लर में आयोजित ऑडिशन में भाग लेने के लिए युवक युवती फैशन शो को में नजर आने के लिए पहुंचे गुलफाम कॉम्प्लेक्स के फ्रेश लुक ब्यूटी पार्लर में। मॉडलिंग का एक अलग ही क्रेज नजर आया यहां पर। इस दौरान प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाने के लिए एमटीवी फेम प्रतिभा सिंह, ब्यूटिशियन गगन सिंह, रीता शर्मा, अंजुम जावेद, आयोजक अर्शिया खान ने निर्णायक की भूमिका निभाते हुए सभी प्रतियोगियों को जरूरी टिप्स दिए। गौरतलब है रीवा में इस तरीके का यह पहला आयोजन था जिसको लेकर रीवा शहर के युवक युवतियों में भारी उत्साह नजर आया। कार्यक्रम को लेकर हमने जजेस से बात की, आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। टुडे मैं जावेद अंसारी, मैं मौजूद हूँ आज ब्राइडल फैशन वीक के यहाँ पर। जिस तरीके से काफी प्रतियोगी आए थे, आज इनका ट्रायल था। निकट भविष्य में एक बड़ी प्रतियोगिता होगी, उसमें इनका जौहर देखने में नजर आएगा। हमारे साथ यहाँ पर जो तीन जज मौजूद हैं, मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। जिस तरीके से रीवा में पहली बार इस तरीके से शो का ऑडियंस हुआ, क्या कहेंगी आप बताइए। बढ़ चढ़ के सभी लोगों ने हिस्सा लिया और मैं यही चाहूँगी कि ये जो अपना शो है बहुत ऊपर तक जाए, बहुत अच्छा हो, जिससे हमारे युवा का और सतना का, पूरे मध्य प्रदेश का नाम हो, आगे भी हो कि हम सब इतने छोटे शहर से होकर भी और इतने लेवल पर कार्यक्रम। छोटे शहर की बात अब मत करिए, आज छोटा शहर रीवा नहीं रहा, रीवा महानगर हो गया है। रीवा में टैलेंट की कोई कमी नहीं, जैसा कि साफ तौर से कहा जा सकता है। जिस तरीके से अभी यहाँ पर रेड कार्पेट में कुछ लोग चलते नजर आए, उनकी प्रतिभा निश्चित रूप से बेहतर थी, बस उनको थोड़ा सा तराशने की जरूरत है। हमारे यहाँ पर जो जज हैं वो काम भी बाखूबी कर देंगे। गगन, मेरा सीधा सा सवाल, जिस तरीके से आप लगातार इस फील्ड से जुड़ी रही हैं, ये आज प्रतियोगियों को देख के कैसा महसूस हुआ? काफी अच्छा रहा, कोशिश बहुत अच्छी थी सारे बच्चों की। थोड़ा सा वर्कआउट करने की जरूरत है, प्रिपरेशन की जरूरत है। मुझे प्रिपरेशन में थोड़ी कमी लगी, बट बच्चों का कॉन्फिडेंस अच्छा था। उसमें से कुछ बच्चे तो बहुत ही अच्छे थे, उनकी परफॉर्मेंस बहुत आउटस्टैंडिंग थी। क्या ये माना जाए कि जैसे अभी मैम कह रही थी कि हम छोटे शहर से अब बड़े शहर की तरफ, तो आपको क्या लगता है कि रीवा में टैलेंट की कमी है रही है? नो, रीवा में टैलेंट भरा हुआ है, एक से एक टैलेंटेड लोग हैं अलग अलग फील्ड्स में। तो हम रीवा को छोटा कह के हम अपने आप को छोटा कर रहे हैं। हमें रीवा को बिल्कुल छोटा नहीं कहना है और रीवा को काफी ऊपर लेकर जाना है हर फील्ड में। सिर्फ ये एक फील्ड की बात नहीं हो रही है, ये ऑडिशन है मॉडलिंग का, हम सिर्फ मॉडलिंग की बात नहीं कर रहे। रीवा काफी फील्ड में बहुत आगे जा रहा है, सभी फील्डों में बहुत ग्रोथ हो रहा है। मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं, रीवा महामृत्युंजय की नगरी, सफेद शेरों की नगरी, यहाँ पर प्रतिभाओं की कमी नहीं है। मैंने प्रतिभाओं का नाम लिया तो मेरे साथ प्रतिभा सिंह भी मौजूद है, मैं इनसे बात करूंगा। आप ये बताइए, जिस तरीके से मुझे जो जानकारी मिली, आपने एमटीवी के किसी सीरियल में काम किया था, कैसा महसूस हुआ जब आपने वहाँ किया? It was a lifetime experience. जो चीजें वहाँ पे मैंने एक्सपीरियंस की, मुझे नहीं लगता नॉर्मल जिंदगी में हम वो चीजें करते हैं या वो चीजें हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे, तो वो जिंदगी भर याद रहने वाली एक चीज है। और जिसकी वजह से डेफिनेटली मुझे ऑल ओवर इंडिया रिकॉग्नाइज किया गया, लोग इतना जानते हैं, कहीं जाती हूँ तो लोग आते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो वो एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छी चीज़ है। जिस तरीके से अभी यहाँ आपने देखा छोटे से शहर में रेड कार्पेट में कुछ बच्चे चलते नजर आए, आप भी किसी जमाने में उसमें से एक रही होंगी, क्या मैसेज देंगी इनको, क्या टिप्स देंगी? आई फील ऑल द कंटेस्टेंट्स, लाइक वी हैव सीन 20 टू 30 कंटेस्टेंट्स एंड ऑल वर वेरी वेरी गुड एंड दे डिड देयर बेस्ट एंड
we have also seen a lot of good talent also, like they are doing singing, dancing, acting. So कहीं ना कहीं हम लोगों ने अपने ऊपर मेहनत की है और कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, तो मेरा पूरा पूरा सपोर्ट है उनके लिए. और मुझे बहुत अच्छा लगा कि रीवा जैसे शहर से जब मुझे रिकग्नाइज किया गया और लोगों ने जब मुझे अप्रिशिएट किया, अगर मैं यहाँ से वहाँ तक पहुँच गई हूँ तो हर कोई पहुँच सकता है. इसलिए हमेशा सपने बड़े देखने चाहिए. और बहुत अच्छा लगा बीइंग अ ज्यूरी, मुझे यहाँ पे बुलाया गया और सारे कंटेस्टेंट्स को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं. निश्चित रूप से जैसा अभी प्रतिभा ने कहा, छोटे से शहर से निकलकर मैं जिस लेवल तक पहुंची हूं तो आप क्यों नहीं पहुंच सकते. बस जरूरत है आपको थोड़ा सा निखारने की. अगर आपने मेहनत की और अगर आपने लोगों से सीखा, सीख के ही आदमी आगे बढ़ता है, तो आप भी एक बड़े मंच पर बहुत जल्द नजर आएंगे. हालांकि जो ये ज्यूरी दिख रही है, मैं इस ज्यूरी से ये उम्मीद करता हूँ कि निकट भविष्य में रीवा में भी, हालांकि ये कार्यक्रम सपना में है, लेकिन निकट भविष्य में भी एक बड़ा टैलेंट शो रीवा में भी ऑर्गेनाइज किया जाए. हम पूरी टीम से यही दरखास्त करेंगे कि कोशिश करें रीवा में एक बड़ा टैलेंट करें. अब अपने मेजबान जावेद अंसारी को दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे.